हेलो एवरीवन, दिस इज संतोष मीना, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट स्वास्थ्यका इन्वेस्ट स्मार्ट लिमिटेड। फ्रेंड्स, एज वी सेड, वी आर इन ए रोरिंग बुल मार्केट बिकॉज इट वॉज ए सिक्स कंसेक्यूटिव वीक जब भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे, एंड इट वॉज ए फिफ्थ कंसेक्यूटिव वीक जब निफ्टी और सेंसेक्स ने अपने नए हाई को छुआ, जहाँ निफ्टी ने अपने नए हाई 13579 को छुआ। यस, इट इज एन ऑड नंबर। वहीं सेंसेक्स ने अपने नए हाई 46309 को छुआ, और एट द एंड ऑफ द वीक निफ्टी और सेंसेक्स करीबन 2% से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होने में कामयाब रहे। और लास्ट वीक के हीरो की बात करें तो इट वॉज ए FMCG सेक्टर, बिकॉज FMCG सेक्टर में लास्ट वीक करीबन 6% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। लास्ट वीक के डेटा की बात करें तो FIS अभी भी ड्राइवर सीट पर बने हुए हैं। उन्होंने लास्ट वीक भी करीबन 17,000 करोड़ की खरीदारी की। हालांकि DIS का मूड अभी भी सेलिंग का बना हुआ है। उन्होंने करीबन 12,500 करोड़ की बिकवाली की। F&O डेटा की बात करें तो FIS का इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग एक्सपोजर 77% पर है, जो लास्ट वीक भी सेम था। ये थोड़ा ओवरबॉट टेरिटरी में है। वहीं पुट कॉल रेशियो 1.55 पर है, जो एक कंफर्टेबल लेवल है। टेक्निकल सेटअप की बात करें तो निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में बना हुआ है। हालांकि जो लास्ट वीक का हाई था 13579, गेन नंबर के अकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है, तो हो सकता है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करे। लेकिन इसके ऊपर 13689, 13770 अगले रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। वहीं नीचे की ओर 13400 से 13300 इमीडिएट डिमांड जोन है। इसके नीचे 13150 से 12950 क्रिटिकल डिमांड जोन रहेगा, क्योंकि 12950 के नीचे फिसलने पर हम किसी ट्रेंड रिवर्सल की उम्मीद कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लेकिन 30800 से 31000 इमीडिएट और क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर 31500 से 32000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे। नीचे की ओर 30200 से 29800 इमीडिएट डिमांड जोन रहेगा। वहीं 29000 से 28500 एक क्रिटिकल डिमांड जोन रहेगा। नेक्स्ट वीक के क्यूज की बात करें तो मंडे को आने वाले इन्फ्लेशन के नंबर काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि मार्केट को थोड़ा सा डर है कि इन्फ्लेशन के नंबर बढ़कर आने वाले हैं। वहीं 16 तारीख को US फेड की मीटिंग का आउटकम आने वाला है, जो ग्लोबल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा 17 और 18 तारीख को बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान की भी मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली है, जिसका भी इंपैक्ट मार्केट पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा FIS का बिहेवियर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही तेजी को ड्राइव कर रहे हैं। इसके अलावा COVID-19 से रिलेटेड केसेस और वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज का इंपैक्ट लगातार मार्केट पर बने रहेगा। तो ये था इस वीक का मार्केट सेटअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर वीडियोज। हैव अ ग्रेट वीक अहेड।